तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापू तूफान आने से पहले की शांति है। ये बका क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? छोटी भोगीलाल को बाद में, पहले बका की धुलाई करना। कंट्रोल कंट्रोल जेठालाल। तूफान कैसा? तूफान भोगीलाल जी, इसकी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है। अरे बका, मालूम है तुम्हें हिंदी कहावतें बोलने का शौक है, लेकिन कोई भी कहावत कहीं भी नहीं बोलनी चाहिए। बड़ा शौक है, कोई भी कहावत कभी बोल देता है। चाचा जी ये कौन है? ये मेरा पोता है टिपेंद्र जैन। जे जे मतलब क्या होगा? तो अंदर चले ना प्लीज। जे मतलब जितेंद्र, टिपेंद्र जितेंद्र गड़ा। बराबर। थैंक यू। ओ चाचा जी है, प्यार से जितेंद्र को जितेंद्र बोलते हैं, इसलिए टिपेंद्र जे बोल दिया, टिपेंद्र जितेंद्र गड़ा। हाँ तो जितेंद्र कहाँ है? कौन जितेंद्र? अरे आपका बेटा जितेंद्र। एक झूठ बोलो ना तो 100 झूठ बोलने पड़ते। नहीं सही हो क्या है, कंफ्यूजन पहले भी कई बार हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ दो जितेंद्र हैं। एक तो चाचा जी के जो पुत्र है टिपेंद्र के पिताजी जितेंद्र, वो तो है ही है, और सोसाइटी के जो सेक्रेटरी वो भी जितेंद्र है। अच्छा इसलिए इसलिए चाहते हैं इनका कौन कौन जितेंद्र। तो भाई अगर हम तुम्हारा नाम जितेंद्र है। अरे उनका नाम तो भिड़े भाई है ना। अरे ये चौरस बकी का कुछ करो। बाद में करते। अरे बका भिड़े उनका सरनेम है, बका सरनेम, नाम तो जितेंद्र है ना, जितेंद्र आत्माराम भिड़े। होशियार क्या सब? मतलब सब ने बचा लिया। भाई सुनर। चाचा जी आपका बेटा कहाँ है? उसे भी तो बुलाइए। वो मेरे साथ नहीं रहता, वो अलग रहता है। अच्छा पर वो इस सौदे से सहमत तो है ना? अरे भोगीलाल जी उसके सहमत है सहमत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमीन के मालिक तो चाचा जी है ना, मालिकाना हक इनके पास है। अच्छा पर उसकी फोटो कहीं नजर नहीं आ रही। भोगीलाल जी हमारे चाचा जी जो है ना बहुत भावुक स्वभाव और बेटा साथ नहीं रहता है। बेटा साथ न रहे और उसकी फोटो यहाँ रहेगी तो बेटे की कितनी याद आएगी, इसलिए फोटो भी हटा दी। बोगीलाल जी आप उनके बेटे की बहुत ज्यादा बातें ना करें, अगर वो भावुक हो गए ना तो फिर इरादा बदल जाएगा। अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ये लीजिए पानी। थैंक यू। आपकी तारीफ। हाय आई एम बबीता। नमस्ते भाभी जी। नहीं चाचा जी ये आपकी बहू है। नहीं नहीं नहीं
मैंने कहा ना, मेरा बेटा मुझसे अलग रहता है तो मेरी बहू भी तो उसके साथ ही रहेगी ना। ये तो हमारी पड़ोसी है बबीता बेटी, मेरी बेटी जैसी ही है, मुझे मदद करने के लिए यहाँ आती जाती रहती जी। वाह भाई, यहाँ के तो पड़ोसी भी कितने अच्छे हैं। लगता है एक फ्लैट यहाँ लेना ही पड़ेगा। बबीता जी, आप कहाँ रहती हैं? मैंने कहा ना, पड़ोसी है, पड़ोस में रहती। अच्छा अच्छा, अब आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। लाल में अय्यर भाई छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। लंपट दिख रहा है एक नंबर का। आजोनी बबीता से मिट्टी मिट्टी बातें कर रहा है, लुच्चो के ठनो। वेल, आप लोग क्या लेंगे, चाय और कॉफी? जो आपका दिल कहे। दिल तो कहता है कि आपका कचुंबर बना दूं। श्योर, व्हाई नॉट। आप लोग? नो थैंक यू। नो थैंक्स जी, मेरे लिए चाय। चाय चाय चलेगी। ओके श्योर। I'll be right back, yeah? Ah. ये भोगीलाल बहुत ही फालतू आदमी है, सुना हमने? कर भोगीलाल जी, अब काम की बात शुरू करें। चाचा जी, जमीन के पेपर तो दिखाइए। सब एकदम बराबर है, सब मैंने चेक कर लिया है। फिर भी आप चेक कर लीजिए, सब सही है, एकदम क्लियर है सब। देखिए, मैं चाय बना, मैं आती हूँ। पेपर काफी पुराने हैं, लगता है जमीन काफी टाइम से है आपके पास। अरे इनके पुरखों की जमीन है। सात बारह का उतारा है ना? है ना, उसी में आखिर में। है चाचा जी का नाम है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत चिंता हो रही है, एंड आई होप कि दादाजी ने जैसे प्लान किया ना, सब कुछ वैसे ही हो। अरे भोगीलाल बहुत चालाक है, जेठा भाई के घर पे अपने दोनों बॉडीगार्ड को साथ में लेके गया है, और भोगीलाल को जरा भी शक हुआ ना तो उन दोनों की मदद से वहां से वो भाग सकता है। अब्दुल भाई, गार्ड्स का टेंशन मत लो, क्योंकि गार्ड्स को तो मेरे पापा अकेले ही संभाल लेंगे। अरे गोगी, हमें गार्ड से ज्यादा भोगीलाल अंकल का टेंशन लेना है। हाँ गोली, बड़ी मुश्किल से सुंदर मामा ने उनको फंसा के यहाँ पे बुलाया है, और अब वो पापा के 50 लाख रुपए लौटाए बिना वापस नहीं जाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो टप्पू, तू टेंशन ना ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये भोगीलाल अंकल कितने भी चालाक हो, लेकिन हम पहले उनके पास से पैसे लेंगे और उसके बाद ही उनको यहाँ से जाने देंगे। Yes. हाँ पर गोगी, हम यहाँ रहकर क्या कर सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, अभी टप्पू के घर पे क्या सिचुएशन है वो तो हमें पता नहीं है ना। अभी ऐसे में कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा? और पता चलने में कहीं देर ना हो जाए, और उतनी देर में भोगीलाल अंकल कहीं बच के ना निकल जाए। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। हे भगवान, प्लीज आप जल्द से जल्द पापा को इस मुसीबत से बाहर निकालिए। देख लीजिए चाचा जी, इतनी पुरानी जमीन है, पुरखों की जमीन है, तो आप बेचना क्यों चाहते हैं? अरे उसमें कारण क्या है, बेचनी है तो बेचनी है। पर सुंदर, इतनी अच्छी जमीन बेचने का कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए ना। भोगीलाल जी, इतनी अच्छी जमीन है तो आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनते हैं, छोड़िए ना कारण। अरे मेहता साहब, भोगीलाल जी बिना कारण जाने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं। हाँ देखिए चाचा जी, आप बुरा मत मानिए, क्या है कि मैं सब्जी तो नहीं खरीद रहा हूँ, 1 करोड़ की जमीन खरीद रहा हूँ। तो सुंदर, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना?
अरे नहीं नहीं साहब, एकदम चोखो माल जे, कोई चिंता करवाने की जरूरत नहीं। नहीं मैं बताता हूँ ना, कारण क्या है कि दरअसल मुझे जमीन बेचनी नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे की वजह से मुझे ये जमीन बेचनी पड़ रही है। आपका बेटा जुआ खेलता है? नहीं, मतलब आजकल बिजनेस करना जुआ खेलने जैसा ही हो गया है ना? हाँ बिल्कुल, वो तो है। ऐसे क्या बिजनेस है आपके बेटे का? उसकी दुकान है, गड़ा ज्वेलर्स। ज्वेलर्स? गड़ा ज्वेलर्स? ज्वेलर्स, गड़ा ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुकान। ज्वेलरी? ज्वेलरी। ओ अच्छा अच्छा, पर जमीन क्यों बेचनी पड़ रही है? पर वो पंचाच्या ने, वो मेरा बेटा है ना, एक नंबर का डोबा है। वो धंधे में मनमानी करता है, आए दिन नुकसान करता रहता है। सच कहूं ना तो उसे व्यापार करना ही नहीं आता। एक नंबर का बबूचक है, बबूचक, किसी पे भी भरोसा कर लेता। और उसके किए हुए कर्मों का फल बेचारे चाचा जी को भुगतना पड़ता है। अभी देखो ना, इसने उसे 50 लाख का चूना लगा दिया। कितने पापड़ मिले, लेकिन वो पैसे वापस ही नहीं दे रहे। इसलिए जमीन बेचनी पड़ रही है बेटा। गुस्सा गुस्सा आता है चाचा जी, गुस्सा आता है। देखिए ना, बुढ़ापे में बेटा ऐसा दिन दिखाएगा तो गुस्सा आएगा ही ना। ओहो वाह, चाचा जी मस्त झूठ बोल रहा है। हमको क्या मालूम चाचा जी झूठ बोल रहे हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। लोगों के पैसे खाके उन्हें नींद कैसे आ जाती है बोलो। मानुसे इसे कहते हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। खुद के मन में चोर है और दूसरों की बुराई कर रहे हैं। जॉनी बेईमान मानुष, ये कितना चालू है? अरे चालू नहीं, एक नंबर का मां चालू है। अरे इन लोगों का तो मुंह काला करके गधे पे बिठाना चाहिए और सिर मुंडवा के गले में जूतों का हार पहनाना चाहिए। तो सुंदर भाई, जूतों का हार बनाना शुरू करो। ये पक्की का कुछ करो। मधु तो क्यों, इसलिए? अरे उसके लिए जिसने जीजा जी को चूना लगाया है। जीजा जी? अरे बापू जी के बाद अभी सुंदर ना बापा। बापा? मतलब? तू लिस्ट बनवा दे, मैं सगन जी तला अर्थ नंतर सकते हाँ? मतलब? कौन जीजा जी? किसके जीजा जी? अरे इस पार्टी के साथ तो मेरा घर जैसा रिश्ता है, तो उनका लड़का जो जितेंद्र है ना, उसको मैं जीजा जी करके बुलाता हूँ, और उनकी जो वाइफ है उसको मैं बहना के क्या बुलाता हूँ। बराबर मोमो भाई सुंदर, ऐसे तो मैं भी तुम्हारी पार्टी हूँ, तो मुझे क्या मानोगे हैं? भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। अरे आप तो मेरे कर्ता हर्ता हो। अरे मेरे लिए जो कुछ भी हो सब कुछ आप ही हो। अरे भगवान सबका भला करे और शुरुआत आपसे करे। अरे आपका जितना भला होगा उतना ही मेरा भला होगा। जय हो। वाह वाह, क्या बात कही है सुंदर।
भोगीलाल बेटा अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, वरना इतनी जल्दी मैं ये जमीन कैसे बेच पाता। चाचा जी भाई ये सब तो ऊपर वाले की माया है। सच कहूं तो इतना भला इंसान मुझे इस जमाने में कहां मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पुरखों की जमीन में तुम जैसे नेक और सज्जन इंसान को दे रहा हूं। चाचा जी भाई आपकी बात सुनकर मेरा दिल खुश खुश हो गया है ना। वाह चाचा जी अच्छे से उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे। ये लीजिए आपकी स्पेशल चाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू बबीता जी। भोगीलाल जी पेपर देख लिया मैंने। देख लिया हाँ। वो एग्रीमेंट भी दो। हाँ हाँ ये लीजिए। वकील साहब का कामकाज एकदम पक्का है। ये लीजिए। जेठालाल सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। एग्रीमेंट दे दिया है पढ़ने के लिए। एग्रीमेंट तो दे दिया लेकिन मेन तो पैसा है ना भाई। हाँ बराबर है पैसा ही मेन है। जब तक पैसा खाते में नहीं आता तब तक ये सब बेकार। ओ ये सेठ जी को कब से फोन कर रहा हूँ वो फोन उठा क्यों नहीं रहे हैं। बोलिए ना टू काका। अरे बागा क्या हुआ सेठ जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पता नहीं नटू काका वही जानने के लिए मैं सेठ जी को कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे हैं। बागा शायद सेठ जी का फोन साइलेंट पे होगा। हो सकता है लेकिन उनका कॉल बैक भी नहीं आया। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है नटू काका। बागा ऐसा खाली टेंशन लेने से कोई टेंशन दूर नहीं होता। तो एक काम कर जा सेठ जी के घर चला जा। मैं अभी रिक्शा में ही हूँ और उनके घर ही जा रहा हूँ। गुड कुछ हो तो मुझे फोन करना। जब तक सेठ जी का प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा तब तक मुझे भी चैन नहीं पड़ेगा। मुझे भी टेंशन रहेगा। जी नटू काका और सुनिए आप टेंशन मत लीजिए सिर्फ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बागा सेठ जी के लिए मेरी भगवान से प्रार्थना चालू ही है। चल रखता हूँ तो जल्दी सेठ जी के घर पहुँच। जी नटू काका। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी के घर में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ओ भाई रिक्शा थोड़ा जल्दी चलाओ ना। अकाउंटेंट साहब। ओ अकाउंटेंट साहब मुझे बुला रहे हैं। हाँ 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 बोलिए। आप एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ नहीं मैं वो पढ़ने में मेरा इतना ध्यान था कि मैं सुन ही नहीं पाया कि आप मुझे बुला रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। मित्र कहते हैं सवाल जिस जुबान में किया जाए जवाब उसी जुबान में दिया जाता है। यही हो रहा है गोकुलधाम में। भोगीलाल को उसी की जुबान में जवाब दिया जा रहा है गोकुलधाम निवासियों द्वारा। इन गोकुलधाम निवासी और भोगीलाल दोनों के बीच में रस्साकशी जारी है। तो उसमें दिमाग का खेल है विचारों की व्यू रचना है। उसमें दाव पर दाव खेले जा रहे हैं और देखने वाली बात यह कि अब आगे क्या होगा क्योंकि इस शातिर भोगीलाल को पराजित करना बेहद आवश्यक है। अगर ये पराजित हो गया तो फिर सब मिल जाएगा और अगर ये पराजित नहीं हुआ और हम लोग पराजित हो गए तो फिर सब कुछ हाथ से चला जाएगा। 50 लाख भी नहीं मिलेंगे वापस और पुश्तैनी जमीन जो है जेठालाल की उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। यानी कि मामला आर पार का। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है। वो होशियार है तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है हमारी बुद्धिमत्ता में और होशियारी में। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हम उसे झांसे में उतार लेंगे झांसा दे पाएंगे या फिर वो हमें किसी दाव में फंसा देगा। ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।